हेलो चिल्ड्रन चिल्ड्रन टुडे विल टॉक अबाउट द सेकेंड पार्ट ऑफ द एडजेक्टिव एंड द फर्स्ट पार्ट वी लर्न दैट हाउ वी कैन फॉर्म एडजेक्टिव्स फ्रॉम नाउन एंड वर्ब एंड टुडे विल सी द सेकेंड पार्ट इन दैट विल नो स्टडी क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव सो यू मस्ट अंडरस्टैंड द फर्स्ट मीनिंग ऑफ क्वांटिटेटिव सो क्वांटिटी क्वांटिटी मीन्स मात्रा किसी चीज़ की क्वांटिटी सो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव द वर्ड विच यू नो टेल्स द क्वांटिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और एनी थिंग किसी चीज़ की नो क्वांटिटी बताता है सो फर्स्ट इन द फर्स्ट लाइन इफ यू सी एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी सो जो क्वांटिटी बताने वाले एडजेक्टिव्स होते हैं बेसिकली वो आंसर किस चीज़ का करते हैं द क्वेश्चन हाउ मच सो क्वांटिटी मात्रा जो होती है वो जो एडजेक्टिव होते हैं वो उस क्वेश्चन को आंसर करते हैं जिसका जो होता है नो हाउ मच राइट सो हाउ मच का मतलब है कि किसी चीज़ की क्वांटिटी कितनी है नाउ इफ यू सी आई डोंट हैव दिस मच लक सो लक अगेन लक मेरे पास इतना अच्छा लक नहीं है तो यहाँ पर लक की क्वांटिटी को बताया जा रहा है और उस क्वांटिटी को जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं सो हियर हाउ मच इज़ समवेयर टेलिंग नो अबाउट समथिंग विच कैन नॉट बी काउंटेड जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं ठीक है यानी इसको हम गिनती नहीं कर सकते हैं नंबर टू पॉइंट इफ़ यू सी नंबर्स आर यूज टू आंसर द क्वेश्चन हाउ मैनी अब ना वो एडजेक्टिव जो नंबर्स को बताते हैं यानी नंबर्स की क्वांटिटी को बताते हैं फॉर एग्जांपल इफ आई से कि क्लास में कितने बच्चे हैं देन डेफिनेटली यू विल बी एबल टू काउंट सो यू विल से देयर आर 25 स्टूडेंट्स इन द क्लास सो नंबर्स आर यूज्ड टू आंसर द क्वेश्चन हाउ मैनी यानी हाउ मैनी का मतलब है हम गिन सकते हैं एंड हाउ मच का मतलब है हम गिन नहीं सकते हैं नाउ सी इफ नेक्स्ट एग्जांपल शी हैज़ मेनी फ्रेंड्स यानी उसके पास बहुत सारे फ्रेंड्स हैं नाउ कम्स द नेक्स्ट पॉइंट क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स विद काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स सो एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट हाउ मच इज़ यूज्ड फॉर दोज थिंग्स विच कैन नॉट बी काउंटेड जो काउंट नहीं की जा सकती हैं एंड हाउ मैनी यूज्ड फॉर दोज थिंग्स विच आर काउंटेबल जिनको काउंट कर सकते हैं तो फर्स्ट विल सी एग्जांपल नाउ सो यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ काउंटेबल यानी काउंट करने लायक यानी कि कोई चीज़ जिसको हम काउंट कर सकते हैं जैसे ये मेरे पास एक पेन है सो आई कैन सी दिस इज़ अ पेन दिस इज़ वन पेन एंड इफ़ आई टेक वन मोर सो आई कैन सी दे आर टू पेन्स राइट डोंट सी दीज आर द शेडोज ठीक है सो दिस इज़ अ पेन सो आई कैन काउंट इट नाउ वट इज़ अनकाउंटेबल जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल आई यूज़ अ लिटिल हनी इन ग्रीन टी सो हनी जो मैं शहद यू नो यूज़ करती हूँ ग्रीन टी में सो थोड़ा सा होता है अब ये थोड़ा सा कि नो हम ड्रॉप हर एक बूंद तो नहीं काउंट कर सकते हैं सो आई यूज़ अ लिटिल हनी इन द ग्रीन टी अपनी ग्रीन टी में थोड़ा सा हनी यूज़ करती हूँ नंबर जो फर्स्ट एग्जाम्पल था दैट इज़ फॉर काउंटेबल आई डोंट हैव एनफ फूड टू गिव यू अब आई डोंट हैव इनफ फूड अगेन स्टूडेंट्स दिस इज़ अ नो एग्जाम्पल ऑफ अनकाउंटेबल राइट सो काउंटेबल दिस इज़ अनकाउंटेबल बिकॉज फूड को हम काउंट नहीं कर सकते दैट वी शुड वी स्टार्ट काउंटिंग द नो पीस ऑफ अ राइस एक एक दाने को तो नहीं काउंट कर सकते हम यहाँ पर सो दिस वे विल सी द दीज टू आर द एग्जाम्पल्स ऑफ अनकाउंटेबल एंड इफ आई टेल यू द एग्जाम्पल ऑफ काउंटेबल फॉर एग्जाम्पल इफ आई से देर आर इफ यू सी माई बैग यू नो देर आर मैनी पेन्स देर आर मैनी स्केचेस यानी बहुत सारे स्केचेस हैं और हम इन सारे स्केचेस को काउंट कर सकते हैं सो इट शोज़ ये काउंटेबल स्केचेस हैं राइट नाउ कम्स द नेक्स्ट पॉइंट दैट डिस्कसेस डेफिनेट एंड इनडेफिनेट न्यूमरल्स अच्छा डेफिनेट मतलब जिसको हम काउंट कर सकते हैं इनडेफिनेट
जिसको हम जो श्योरली हम काउंट नहीं कर सकते हैं यानी पक्के तौर से, और न्यूमरल्स मतलब नंबर्स. सो डेफिनिट एंड इनडेफिनिट न्यूमरल्स, इसमें फर्स्ट वील सी जो डेफिनिट होते हैं वो जो नंबर्स होते हैं दे आर डेफिनिट, यानी नंबर्स आर डेफिनिट एज दे आर काउंटेबल. सो नंबर्स को तो हम काउंट कर सकते हैं. नाउ सी द नेक्स्ट पॉइंट, इनडेफिनिट न्यूमरल्स आर, जो इनडेफिनिट न्यूमरल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेवरल, अ फ्यू, सेम, सॉरी सम, अ कपल, ठीक है. सो वी कैन यू नो काउंट इट बट श्योरली वी कैन नॉट काउंट इट, ठीक है. सो दिस इज इनडेफिनिट. ओके चिल्ड्रन, जस्ट कमिंग बैक यू नो वन मिनट. यस, सो आई वॉज टेलिंग अबाउट इनडेफिनिट. सो येस, इनडेफिनिट कैन टेल यू द क्वान्टिटी ऑफ नंबर्स बट एग्जैक्टली इट कैन नॉट टेल यू करेक्ट डेफिनेटली अबाउट द नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट. सी नो, ऑब्जेक्ट को नंबर्स में एग्जैक्टली नहीं बता पाता है. फॉर एग्जाम्पल सपोज नो उसके घर में व्हाट शुड आई से, उसके घर में कुछ पेपर्स पड़े हैं, ठीक है. सो देर आर सम पेपर्स. अब इंस्टेड ऑफ काउंटिंग ईच पेज, हमें एक एक पेज को काउंट कर रहे हैं, सो हमने इसको एक टोटैलिटी में बोल दिया कि हाँ देर आर सम पेपर्स, वहाँ पर कुछ पेपर्स हैं, ठीक है. देर आर सेवरल नो पीपल इन द पार्टी होम आई नो. तो सेवरल का मतलब कुछ थोड़े से ही लोग हैं, ठीक है. अ कपल ऑफ वीक आई विल गो देयर, आफ्टर अ कपल ऑफ वीक आई विल गो देयर. सो आफ्टर अ कपल ऑफ वीक, अब कपल ऑफ वीक हम क्या काउंट कर सकते हैं कि हाँ 14 डेज होंगे, बट हमने ये कहा कि हाँ लगभग नो लगभग 2 वीक के बाद विल गो देयर, ठीक है. तो इस तरीके से जो इनडेफिनिट होता है टेल्स अबाउट द नंबर्स बट उसको एग्जैक्ट नंबर नहीं बताता है, ठीक है. मतलब एग्जैक्टली नहीं बताता है, जैसे कुछ है थोड़ा सा है या थोड़ा बहुत, समथिंग लाइक दैट इट टेल्स. सो आई होप स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट ऑफ नो दिस सेकेंड पार्ट ऑफ द एडजेक्टिव वेयर वी हैव डिस्कस क्वान्टिटेटिव एडजेक्टिव. विल सी सम एग्जाम्पल्स इन आर बुक. इफ यू सी yes, so when we discuss all the exercises then I will tell you, but this is just to show you that these are the no exercise which you have to do in your textbook जो आपकी ग्रफालुको की ग्रामर पाथ है, ठीक है. सो स्टूडेंट्स आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड. सो दिस इज़ योर होम असाइनमेंट. वन यू वॉच द वीडियो ट्राई टू सॉल्व ऑल द एक्सरसाइजेज और द no sentences given here. So try at least, try wrong but do try, right. Thank you so much.